गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, एक इस फॉर्म में आ सकता है या दूसरा इसके अपोजिट वाले फॉर्म में आ सकता है। पहला क्या है, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, हम दो क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। तो इस अगर इक्वेशन किस फॉर्म में, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू, तो उस कंडीशन में इंटीग्रल फैक्टर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रल फैक्टर ये हो गया। जनरल सॉल्यूशन की बात अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, बाई इंटू आई एफ इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, जिस तरीके से ये लिखा हुआ। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी जल्दी में, देखते हैं। इस समय जल्दी के बारे में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। देखिए, तो सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या लिखा है, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल एक्स, गिविन क्या है, वाई इज इक्वल टू वेन एक्स इज इक्वल जीरो। ये चीज बात की है, पहले इसको समझते हैं। हमारे पास है क्या, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल एक्स, ये है। अब पता कैसे करेंगे कि किस फॉर्म में, तो उसके लिए मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया है वन माइनस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हो, वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा, आपको आपकी फॉर्म मिल चुकी है, डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू। इससे जब कंपेयर करोगे तो कॉफिशियंट ऑफ वाई अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या है, पी, पी इज इक्वल कॉफिशियंट ऑफ वाई। इस इक्वेशन को देखो तो क्या हो जाएगा, वो एक्स अपॉन माइनस में आएगा, माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, और क्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। पी और क्यू तुमने निकाल लिए, ठीक है। अब सीधा इंटीग्रल फैक्टर निकालो, इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। पी की वैल्यू रख दी तुमने, दैट इज माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर रखी, और डी एक्स। अब समझो और सुनो, वन माइनस एक्स स्क्वायर इसका तो इंटीग्रल करना, अब तुम्हें इंटीग्रल करना है इस पूरे पोर्शन का, ई टू द पावर, इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर, पूरी जो इंटीग्रेट इंटीग्रेशन है वो पूरा पावर में है, माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कैसे करते हैं वो देखो, वन माइनस एक्स स्क्वायर को क्या ले लिया हमने, टी लिया, क्योंकि हमें पता है न्यूमरेटर में माइनस एक्स और डी एक्स है, इसको आप समझ रहे हो माइनस एक्स ऑफ डी एक्स, ये न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो ये चीज़ लानी होगी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कितना हो जाएगा, माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी। तो बेटा 2 इंटू, हमें तो माइनस एक्स डी एक्स चाहिए, हमें न्यूमरेटर का माइनस एक्स डी एक्स चाहिए ही चाहिए, तो 2 इंटू माइनस एक्स डी एक्स इज डी टी, माइनस एक्स डी एक्स इज डी टी अपॉन 2। इंटीग्रल फैक्टर निकालोगे, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, अब सुनो मेरी बात, अब हमें पता चल चुका है कि माइनस एक्स डी एक्स इज डी टी अपॉन टी। तो मैंने न्यूमरेटर में जो माइनस एक्स डी एक्स, तो मेरी दोनों फिंगर को देखो, यहाँ पर माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी टी अपॉन टू अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ई टू द पावर वन अपॉन टू को मैंने बाहर कर दिया यहाँ पर, और बचा इंटीग्रेशन में डी टी अपॉन टी, वन अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी इज कॉल्ड लॉग टी, तो वन बाई टू लॉग टी। और देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये चीज़ हमने की हुई है, अगर तुम्हें याद होगा एम लॉग एन को क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एन टू द पावर एम, वही लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं ई टू वन अपॉन टू लॉक टी था, तो इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर लॉक टी टू टी टू द पावर वन बाई टू, ठीक है। तो और टी टू द पावर वन अपॉन टू को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट टी, तो ई टू द पावर लॉक रूट टी, और ई टू द पावर लॉक टी इज टी, ठीक है। तो यहाँ पर रूट टी है, तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा टी की वैल्यू ले लो, फ्रॉम इसको इक्वेशन नंबर डाल दो फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये देखो डाला है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टी की वैल्यू रख दो, कितनी हो जाएगी, ई टू द पावर लॉग अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो लॉग में वैल्यू है ही, तो बचेगा क्या, केवल रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इंटीग्रल फैक्टर की। अब देखो जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है इसका, बाई इंटू आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो बाई इंटू आई एफ तुम्हारे पास है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वही लिख दो, इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू देखो यहाँ से निकाल रखी है, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल फैक्टर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब आओ बाय इंटू आई एफ हो गया, हमने सारी वैल्यू रख दी, एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर वन बाई टू, डिनोमिनेटर में वन माइनस एक्स स्क्वायर चल ही रहा है, ऑफ डी एक्स प्लस सी, बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन, क्योंकि वन माइनस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में वन बाई टू है, डिनोमिनेटर में कितना है वन माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी पावर कितनी है वन,
तो पावर को नीचे ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 1 - x² मतलब इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1 - 1/2 dx, क्योंकि 1 है पहले ही से अवेलेबल और दोनों की बेस सेम है यहाँ पर और यहाँ पर दोनों की बेस सेम। अरे ऐसे लिख सकते हो, समझो अगर बेस सेम है ये m टू द पावर 3 लिख देते हैं और ये m टू द पावर 2 लिख देते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर हम डिनोमिनेटर में लिखें तो क्या हो जाएगा 1/m⁻²-3 सही। तो इसको हमने उस फॉर्म में ही लिखा है 1 - 1/2, क्योंकि इसकी पावर आप देख ही रहे हो क्या है, तो 1 - 1/2 dx + c, दोनों के बेस सेम थे 1 - x² ये भी है 1 - x² ये भी है ठीक है। यहाँ पर अब देखो बचा क्या, तो इंटीग्रेशन अभी इधर के प्रोसेस में कोई करने नहीं है, वो तो चलने दो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन 1 - x² to the power 1/2 + c। अब समझना इस चीज़ को फिर से 1/2 पावर में है, इसको रूट में लिखा जा सकता है 1 - x² + c करके लिख दोगे ठीक है। इंटीग्रेशन तो वही रहेगा तुम्हारा x dx अपॉन √1 - x² + c। अब सुनिए, रूट में कोई चीज़ जब भी मिले इंटीग्रेशन में तो उसको आप क्या लोगे, सब्स्टिट्यूशन होगा बट वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्या होगा 1 - x² क्या लिया हमने, टी स्क्वायर लेंगे ठीक है। तो अब डिफ्रेंशिएट करोगे -2x dx = 2t dt, 2 कैंसिल आउट, क्या बचा x dx = -t dt ठीक है। यहाँ तक का तो समझ में आ ही गया। अब सुनो x dx की जगह पर क्या रख रहे हो तुम, -t dt, किस इक्वेशन में रखने जा रहे हो अपना इंटीगल जो है, तो इंटीगल जनरल सॉल्यूशन क्या आ रहा है, सो सॉल्यूशन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते, सो सॉल्यूशन इज बाई √1 - x² इज इक्वल, इंटीग्रेशन देखिए इंटीग्रेशन ऑफ बेटा x dx की वैल्यू कितनी है, x dx इज -t dt अपॉन और 1 - √ में कितना है 1 - x² और रूट में 1 - x² को क्या लिख सकते हैं, दैट इज t² इसीलिए तो लिखा था ठीक है, हो गया। और कौन बचा है प्लस c। अब एक बात बताओ, दैट इज y √1 - x² इज इक्वल, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता हूँ -t dt अपॉन टी प्लस सी, टी और टी कैंसिल आउट सही है। देख कैंसिल जब आउट हुआ तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस सी एंड दैट इज कॉल्ड द -t + c बाई √1 - x² सही है। अब देखो ये चीज़ थोड़ा सा इधर रफ कर दें क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं ठीक है। देखो कितना यूनिक क्वेश्चन था है ना, अगर ये कर लिया तो सारे समझ लो कि इसके अगर कोई भी पार्ट मिल जाएगा, मुझे लगता सबसे टफ यही था, तो वैसे टफ तो और हो सकते हैं। तो अब टी की वैल्यू बस रखनी है हमें, टी कितना है, टी की वैल्यू हम लोगों ने कितनी डिसाइड की थी, दैट इज √1 - x², तो बाई √1 - x² रूट में ठीक है और इज इक्वल माइनस टी कितना हो जाएगा तुम्हारा, टी कितना हो जाएगा भाई, 1 - x² इज t², तो टी कितना बचा √1 - x² + c। आप सुनो कंडीशन दे रखी थी, कंडीशन का यूज़ देखिए, इन्होंने कहा था कि अगर बाई 2 है तो उस कंडीशन में तुम x कितना लोगे, इफ बाई इज इक्वल टू देन x इज 0, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक निकलेगा या सॉल्यूशन बोल सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने केवल वही पूछा है सॉल्व इट, तो सॉल्यूशन है आप लिखना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो बाई की जगह पर 2 लिखना है, चलो लिखते हैं 2 √1 - x की जगह पर 0 इज इक्वल, क्योंकि x के प्लेस पर x² है, 0 to the whole square 0 आएगा इज इक्वल -√1 - x, फिर से कितना हुआ 0 + c, तो देखो -√1 कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा ये इक्वेशन लेना फर्स्ट क्यों लोगे, फर्स्ट तो ले ही चुके, कितने हो चुकी हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड हो चुकी हैं, इसको ले लो फोर्थ ठीक है। इक्वेशन थोड़ा सोच समझ के डालना, तो क्या मिलेगा तुम्हें -√1 + c ऑफ 2, अच्छा इधर √1 मिल रहा है तो √1 की वैल्यू 1 ही होती है, 2 × 1 इज इक्वल -1 + c, ट्रांसपोज कर दो 2 + 1 इज इक्वल c एंड 3 इज इक्वल c, इसी को इक्वेशन नंबर 4 में लिख दो, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 4, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, सो सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन तो बच्चा लिख ही लोगे, अब कितना हो जाएगा बाई, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ शॉर्ट में, बाई इंटू √1 - x² इज इक्वल -√1 - x² + c फॉर 3, बस c की वैल्यू रख दो, हो गया।
तो ये था पूरा सॉल्यूशन, है ना। बट ध्यान रखने वाली चीज़ इसकी केवल यही है कि dy dx + py = q फॉर्म में है, ठीक है या नहीं है, देख लो।